अब मैं आपसे जानना चाहूंगी किस तरह की चुनौतियां होती हैं आप लोगों के सामने क्योंकि इतने कंपटीशन का भी ये दौर है प्रतिस्पर्धा एक दूसरे से ज़्यादा है पता नहीं किसकी पसंद आ नहीं आया उसके बावजूद अगर आप लोगों ने इतनी बड़ी बड़ी कहानियों को लेकर इतनी कामयाबी हासिल की है जी। तो उसका श्रेय किसको देंगे और ये कामयाबी हासिल करने के लिए बाकी जो लोग आपकी तरफ बनना चाहते हैं उनके लिए क्या टिप्स देंगे आप जी श्रेय तो भाई कोई चीज हिट हो जाती है तो ऑडियंस को देना पड़ता है क्योंकि आप वो लोग नहीं देखेंगे तो हम क्या करेंगे ऑडियंस नहीं होगी तो हम क्या कर सकते हैं तो श्रेय तो सारा हमारे दर्शकों को जाता है आ, ये जरूर कहूंगा कि भाई देखिए हर कहानी का अब वक्त आ गया है जो भी कहानी लोगों के पास है उसको सुनाने का उसको बताने का उसको दिखाने का समय आ गया है ये एक लेखक के लिए अगर आप लेखक है तो इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता इट इज द बेस्ट टाइम टू बी अ राइटर बिकॉज दे इज अ स्टोरी क्या? दर्शकों को वो अपील करती है, अपील करती है you know? बस सच्ची हो झूठी हो कहानी अच्छी होनी चाहिए और कहानी कहने का मादा में होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह की आपको ये मान के चलना चाहिए कि भाई आप यू you नो know, आप जो कहानी कह रहे हैं वो वो अच्छी कहानी है और वो चलेगी स्कैम में मैंने एक लाइन लिखी थी जो थोड़ी बहुत चल गई थी कि रिस्क है तो इश्क है तो बिल्कुल तो ये थोड़ी <laughs> नहीं बहुत ज्यादा चली थी और अब तो हर बात में लोग इसका उदाहरण भी देते हैं तो ये यहाँ पर मैं भी वही कहना चाहूंगा कि भी रिस्क है तो इश्क है आप लिखिए और ये समझ के लिखिए कि हाँ भाई ये काम करेगी और काम करेगी पक्का पक्का वो लेकिन विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास को के साथ मेहनत भी उतनी चाहिए होती जो हम करते हैं राइटर्स का काम बहुत ज्यादा

बिल्कुल जैसा था वैसा दिखाना चाहते हैं रामचंद्र गुहा जी की पुस्तक पर आधारित ये है ये 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 हमारा सीरीज तो हमारा प्रयास यही है कि हम ग्रेटनेस को थ्रस्ट नहीं करें गांधी जी के ऊपर उनको शुरू से ही हम ऐसा नहीं दिखाते कि पैदा ही हुए थे लाठी लेके यू you नो know? तो वो जो सफ़र उनका था जिसमें काफ़ी उतार चढ़ाव थे काफ़ी पड़ाव थे तो उसको सच्चाई के साथ हम दिखाएं और ये जरूरी है कि हमारे दर्शक गांधी जी को समझें जाने और जो अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं उसके बाद वो जज करें हमारा काम एज राइटर्स जो जिंदगी जैसी उन्होंने जी जो जीवन उनका था वो दर्शाना है सच्चाई तो यही है कि कि गांधी को जितना पढ़ो ऐसा लगता है कि वो कम ही है और अभी भी किसी भी किताब में अगर हम बहुत सारी किताबें मैंने भी गांधी के बारे में पढ़ी है लगता है लगता कि कुछ अधूरापन रहता है तो अब मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आप जो कुछ भी लेकर आने वाले हैं उसके जरिए कम से कम उनके जीवन के उस हिस्से को हम छूने की कोशिश करेंगे जो अब तक अधूरी रहे जितना जी प्रयास यही है क्योंकि अगर हम नहीं करते तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले कर देते तो, वो तो तो इसलिए होती ये हैं हमने, हमने हमारे ऊपर लिया कि हम उसको हमारी जिम्मेदारी यही है व्हाट्सएप पर तो गलत गलत बातें इतनी ज्यादा आती है और सबके बारे में और आजकल तो महापुरुषों को लेकर किस तरह की प्रतिस्पर्धा राजनीति के मैदान में चल रही है उस पर नहीं जाते हुए लौट आते हैं